मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज ललित नारायण मातो एंड आई एम गोइंग टू टीच इंजीनियरिंग थर्मोडायनमिक्स फॉर द बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। Okay, good morning everyone. Okay, good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning, sir. Okay, so previous class हमने discuss किए थे refrigerator and heat pump and दोनों में relation देखे थे coefficient of heat pump equal to 1 plus coefficient of performance of रेफ्रिजरेटर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है? ओके, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है? नोट्स में स्टेटमेंट अवेलेबल है। So Kelvin Planck statement told it is impossible to construct an engine which operating in a cycle will not produce other than the extract of energy as heat from a single reservoir and produce equivalent amount of work. So suppose this is a heat engine okay, so tell me, can we construct this type of engine or this type of heat engine? No, sir. Why? Sir, क्योंकि एनर्जी जब प्रोड्यूस करते कहीं ना कहीं लॉस होता ही है। लॉस होता ही है। That means yes, sir. Whatever amount of energy जो यहाँ पे ये absorb कर रहा है from T1 से, ठीक है, ये इंजन क्या कर रहा है? Totally W equal to T1, that means क्या कर रहा है? टोटल इस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है। दैट मीन्स नो एनी एनर्जी एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर सिंक, ठीक है? सो क्या ऐसा इंजन हम लोग कभी कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको टोटली वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है? नो सर, नो। सो यही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल to construct an engine which operating in a cycle will produce no effect other than the extract of energy from a single reservoir and produce equivalent amount of work. So इस टाइप के इंजन को हम लोग कंस्ट्रक्ट
नहीं कर पाएंगे. ओके, सो कहने का मतलब स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट ए हीट इंजिन विल रिसीव हीट गिवन फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल. ठीक है, सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही है. और इसको दूसरे फॉर्म में अगर हम बोल सकते हैं, दूसरे फॉर्म में कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी हीट, इसको अगर मैं थोड़ा सा इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, W इक्वल टू की वन. ओके, इसी को दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो ओनली वर्क करेगा विथ इंटरेक्शन विथ ए सिंगल रिजर्वायर. ठीक है, अगर Q2 इक्वल टू जीरो दैट मींस इस रिजर्वायर का होना ना होना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. दैट मींस W इक्वल टू की वन, दैट मींस कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को. सो इस टाइप का इंजन कहने का मतलब है ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो ओनली वर्क करेगा विथ इंटरेक्शन विथ सिंगल रिजर्वायर. कहने का मतलब है कोई भी इंजन को वर्क करने के लिए, अगर इसका अल्टरनेटिव में बात करूं तो कोई भी इंजन को वर्क करने के लिए दो रिजर्वायर का होना जरूरी है. ठीक है, पहला रिजर्वायर जहां से वो सम अमाउंट ऑफ हीट एब्स्ट्रैक्ट कर सके एंड आफ्टर वर्क सम अमाउंट ऑफ हीट लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट कर सके. ओके, सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझ में आया. Yes, sir. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एग्जाम में नोट्स लिखने आता है. ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस आगे मैं डिस्कस करूंगा. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है कि सपोज एनी हीट इंजन है. ठीक है, ये क्या कर रहा है, की वन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम हायर टेम्परेचर रिजर्वायर टी वन से, और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है टोटली को क्या कर रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है. ओके, दैट मींस Q2 इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी एनर्जी ये लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट नहीं कर रहा है. सो इस टाइप का इंजन हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही बोला है. ओके, सो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन व्हिच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द एक्सट्रैक्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर रिजर्वायर और ए सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. ठीक है, सो ये है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, अच्छा इससे पहले एक न्यू टर्म है क्लोजेस्ट स्टेटमेंट से पहले, पीएमएम टू. ओके, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड, ऑफ द सेकेंड काइंड. इन ब्रीफ में हम लोग इसको बोलते हैं पीएमएम टू, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड का. परपेचुअल दैट मींस कहने का मतलब है हाइपोथेटिकल, एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब है इट वायलेट्स द सेकेंड लॉ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो क्या है पीएमएम टू, सो इफ क्यू टू इक्वल टू जीरो दैट मींस नेट वर्क डन विल बी Q1, और efficiency equal to 100%. So this type of engine is called perpetual motion machine of second kind. Okay. So is it possible to construct this type of engine? No, sir. No, sir. Okay. सो दैट मीन्स क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल
डिवाइस ओके, इसीलिए यहाँ पे परपेचुअल वर्ड जुड़ा हुआ, दैट मीन्स ए हाइपोथेटिकल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड. सो इफ क्यू टू इक्वल टू जीरो दैट मीन्स नेट वर्क डन विल बी क्यू वन और इफिशियंसी विल बी 100%. सो ए पी एम एम टू इज ए डिवाइस which would work by absorbing energy as a heat from a single reservoir. So APM2, now such a device does not violate the first law of thermodynamics. Okay, ये violate कर रहा है किसको? Kelvin Planck statement of second law of thermodynamics. But such a device does not violate the first law of thermodynamics. Why does not violate the first law of thermodynamics? Whatever energy sub abstract from a high reservoir, it totally converts into work. That means क्या energy is conserved. Okay. So first law of thermodynamics से ये energy is converted. ठीक है, but एक energy is converted from one form to another form. ठीक है. So such a device does not violate the first law of thermodynamics. But it violates the second law of thermodynamics. ठीक है, so ये याद रखना है. It violates the second law of thermodynamics. That means Kelvin Planck statement of second law. So इतने सारा points आपको PMM2 के बारे में याद रखना है. Next जो statement है वो है Clausius statement of second law. Clausius statement of the second law. Anyone कोई बता सकता है Clausius statement of the second law from the lateral entry or diploma holder? कोई भी गलत सही? यस, रवि कुमार शर्मा कुछ बोलना चाह रहे थे सर. रेफ्रिजरेटर इसी पे वर्क करता है, यही प्रिंसिपल क्लॉसेस स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट बता सकते हो कुछ भी गलत सही? कुछ वैसा कोई यहाँ पे ऐसा नहीं, कोई यहाँ पे स्कॉलर है या कोई विद्वान है, सभी एक समान है. कुछ भी बता सकती हूँ. ये उसका उल्टा हो जाता है सर. उसमें बोला कि कोई इंजन, मतलब कि ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में बोला गया कि कोई हम लोग इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसमें बोला गया कि कोई इंजन ऐसा वर्क नहीं कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के यूज करने से, कि वो टेम्परेचर को लोअर बॉडी से हायर बॉडी की तरफ भेजे. ओके, वेरी गुड. ओके, सो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस. ओके, सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू बता दे रहा हूँ, देन वी डिफिनेशन.
यहाँ पे हीट इंजन नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। W इक्वल टू जीरो, ओके। सो अब मैं आता हूं सॉरी क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ। सो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ बताता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच ऑपरेटिंग इन ए साइक्लिक विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, नो इफेक्ट कहने का मतलब है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैं ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया हूं, सो क्या हम लोग इस टाइप का डिवाइस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं या नहीं? Anyone? No, sir. नहीं। अदर स्टूडेंट, क्या अदर स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. यहां पे मैं क्या दिया हूं, वर्क डन इक्वल टू जीरो। आप देख रहे होंगे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का सेम कंस्ट्रक्ट रहता था, ओनली यहाँ पे क्या रहता था, वर्क डन, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, सो यही क्लोजेस्ट स्टेटमेंट बोला है कि सपोज ए रेफ्रिजरेटर फील्ड रिसीव हीट फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर एंड ट्रांसफर इट टू हायर टेम्परेचर रिजर्वायर इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और सो क्या ये पॉसिबल है, जब तक कि हम लोग को एक्सटर्नल वर्क्स नहीं करें। सो इस टाइप का इंजन कंस्ट्रक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, यही क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। अगर सिंपल में बोलूं तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ये बोला कि विदाउट एनी वर्क किए हुए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हायर रिजर्वायर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हायर रिजर्वायर इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सो यही है क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं यहाँ पे W इक्वल टू समथिंग दे देता, दैट मीन W इक्वल टू ओनली W देता हूँ, ठीक है, देन हम लोग इस टाइप को इंजन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग क्या करें, सम एक्सटर्नल वर्क दे रहे हैं। बट इफ W इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इस टाइप के इंजन हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। सो केल्विन प्लैंक एंड क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्लियर है दोनों? अब हम लोग डिस्कस कर इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ओके, एक्चुअली फर्स्टली क्या हुआ था, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुआ था, इंडिविजुअली दिया गया था। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम बाद में क्या मिला कि दोनों ही पैरेलल स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों ही क्या है, लगभग सेम स्टेटमेंट है। सो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, किसी एक स्टेटमेंट को मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में रॉन्ग एज्यूम करके चलता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलता है कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो सेकेंड में मेरे को रिजल्ट में क्या आता है कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट भी गलत है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों पैरेलल स्टेटमेंट है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे का। ठीक है, तो कैसे इसको करते हैं, देखो इक्विवेलेंस
ओके सो इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट एग्जाम में हमेशा आता है ओके प्रूव करने और लिखने के लिए इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा हूं ये अज्यूम कर रहा हूं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत है ओके रॉन्ग है। तो देखो कैसे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत है। ओके सो हीट इंजन ये एक है एंड अदर इज क्या है हीट पंप है। सो हीट इंजन क्या कर रहा है क्यू वन अमाउंट ऑफ एनर्जी इस टी वन को ले रहा है एंड दिस टोटली कन्वर्ट इनटू वर्क डब्ल्यू वन ठीक है। और हीट पंप क्या रहा है क्यू टू अमाउंट ऑफ एनर्जी टी टू से ले रहा है और इस हीट पंप को ड्राइव कर रहा है ये हीट इंजन। ओके सो यहाँ पे क्या है क्यू वन प्लस क्यू टू नेक्स्ट क्यू टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एटमोसफेयर में ट्रांसफर कर दिया एंड देन क्यू वन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैं यहाँ सेल में ले रहा था अब क्यू वन को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से ले रहा हूँ। तो इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में पैरेलल इक्विवेलेंट में कंस्ट्रक्ट करते हैं। Now, अब इस डायग्राम में मेरे को बताओ ठीक है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत कहां पे है। इस जो मैं डायग्राम राइट वाला डायग्राम है सर। हाँ बोलो राइट वाला डायग्राम कुछ है क्या राइट लेफ्ट दोनों सेम है ठीक है। इसी को मैं पैरेलल डायग्राम में ये राइट वाले डायग्राम में से यहाँ पर Q1 यस Q1 सर यस वहीं पर जा Q2 इक्वल टू जीरो है ना वहीं पर रॉन्ग है ठीक है वेरी गुड। So, अब मैं डायग्राम को समझा रहा हूँ ठीक है। ये हीट इंजन क्या कर रहा है इनिशियली Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एब्सट्रैक्ट कर रहा है हायर टेम्परेचर रिजर्वायर Q1 से ओके Q2 इक्वल टू जीरो है दैट मींस ये इंजन क्या कर रहा है टोटली एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है ओके। सो यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत है ठीक है। कि ऐसा कोई भी इंजन हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो इंजिन वर्क विथ है सिंगल रिजर्वायर ठीक है। Q2 इक्वल टू जीरो दैट मींस ये हीट इंजन का इस रिजर्वायर से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है दैट मींस ये हीट इंजन क्या कर रहा है जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी Q1 को एब्जॉर्ब कर रहा है टोटली वर्क में कन्वर्ट कर रहा है ओके।
सो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब इस राइट साइड में क्या है, एक हीट पंप है। हीट पंप क्या कर रहा है, एज यूजुअल जो हीट पंप का फंक्शन होता है वही सेम यहाँ पे भी कर रहा है। Q ऑफ Q2 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी ले रहा है लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर T2 से, एंड हीट पंप को अब ये एनर्जी ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू हायर के लिए क्या करना है, सम वर्क इनपुट हमको चाहिए। सो वो वर्क कहाँ से दे रहा है, वो हीट इंजन से ले रहा है और एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। फाइनली क्या हुआ, Q1 प्लस Q2, और Q2 को ये अगेन क्या कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर में सेंड कर दे रहा है। सपोज कोई रीजन है जहां पे हमको एक हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, वहां पे ये Q2 को ट्रांसफर कर रहा है। और ये Q1 जो हम हर बार यहां से लेते हैं, ठीक है, अब यहां से ना लेके Q1 को क्या करें, ये जो Q1 को हम लोग यहां पे वेस्टेज होता है उसी को हम लोग इंजन को ड्राइव करने में लगा दे रहे हैं। इसी डायग्राम को मैं ये बनाया हूं। ओके, सो अब ये क्या हो गया, अब ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। हीट पंप क्या कर रहा है, Q2 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी यहां से ले रहा है, टोटल एनर्जी Q1 इक्वल प्लस Q2, Q2 को बाहर एटमॉस्फेयर में सेंड कर दे रहा है, एंड Q1 को अगेन मैं हीट इंजन को ड्राइव करने में लगा रहा हूं, और इससे जो वर्क मिल रहा है वो हीट पंप को ड्राइव कर रहा है। तो अब टोटल ये कॉम्बिनेशन किस टाइप का बिहेव करेगा आप बता सकते हो, क्लॉसियस क्लोसियस के थ्रू। कहने का मतलब है टोटल ये हीट पंप, अब हीट इंजन और हीट पंप दोनों अब एक डिवाइस की टाइप का काम करेगा, और वो डिवाइस क्या कहलाएगा, हीट पंप। क्यों हीट पंप कहलाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, Q2 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एटमॉस्फेयर में सेंड कर रहा है, ठीक है। Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी यहाँ हीट इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है ड्राइव करने के लिए, अगेन ये Q2 यहाँ से आया, टोटल एनर्जी Q1 प्लस Q2, Q2 को अगेन ये बाहर एटमॉस्फेयर में किया, अगेन Q1 यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे Q2 हीट पंप है। कहने का मतलब है हीट पंप और हीट इंजन दोनों ही अब एक कंस्टिट्यूटेड डिवाइस क्या काम कर रहा है, हीट पंप का, ठीक है। तो अब हमको बताओ कि यहाँ पे प्रोसेस स्टेटमेंट कहाँ पे गलत हो रहा है। एनीवन, इसमें Q2 जीरो हो जा रहा है इसीलिए Q2 जीरो, तो ये तो ठीक है। मैं अज्यूम कि ये करके चला था। देखो इक्विवेलेंस कहने का मतलब है, इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी एक स्टेटमेंट को हम इनिशियली गलत लेके चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको क्या आएगा कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, पैरेलल मतलब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पर Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जा रहा है राइट वाला डायग्राम में। ओके, सो अब देखो कैसे गलत हो रहा है। क्लोसियस स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो गलत है, ये तो साफ देख रहा है कि Q2 इक्वल टू जीरो में लेके चला। अब क्लोसियस स्टेटमेंट गलत कैसे हो रहा है, जब ये दोनों इंजन, ठीक है, इंजन एंड हीट पंप टुगेदर कंस्टिट्यूट क्या कर रहा है, एक हीट पंप टाइप का बिहेव कर रहा है। ओके, मतलब आप बाहर से हमको कोई भी एक्सटर्नल वर्क लेने का जरूरत नहीं है फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है, क्योंकि अब ये टुगेदर ही एक क्या किया है, एक डिवाइस बन गया है जो क्या कर रहा है, हीट पंप हीट इंजन W इक्वल टू Q1 दे रहा है, ठीक है, ड्राइव कर रहा है हीट पंप को, Q2 बाहर में सेंड किया, अगेन Q1 यहाँ पे आया, ठीक है, अगेन इस हीट पंप को ड्राइव किया। कहने का मतलब टुगेदर कंस्टिट्यूट है हीट पंप, मतलब एक्सटर्नली हम लोग कोई भी एनर्जी नहीं ले रहे हैं हीट पंप को ड्राइव करने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम एक्सटर्नल वर्क इनपुट देना पड़ेगा, बट अब हम कोई भी एक्सटर्नल वर्क इनपुट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो वर्क तो दे रहे ना W1। इनिशियली हम एक बार W दे रहे हैं, ठीक है, बट उसके बाद से ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, जो Q1 प्लस Q2, ठीक है, यहाँ पे Q2 अमाउंट ऑफ क्या चल जाएगा, यहाँ एटमोसफेयर में चल जाएगा, और Q1 जो हम लोग यहाँ पे इस रिजर्वायर से सक कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे, अब यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। जो Q1 मेरा वेस्टेज होता है यहाँ पे, इसी को हम लोग ले आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर इंजन को हीट पंप को अगेन हीट पंप क्या किया, यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया, अगेन Q2 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, अगेन Q1 को मैं यहाँ पे
इस हीट पंप को ड्राइव करने में लगा दिया, दैट मीन्स क्या कर रहा है कि एक्सटर्नली हम कोई भी वर्क अब इनपुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट भी गलत है। सो अब टुगेदर ये दोनों डिवाइस मिलके किस टाइप का बिहेव करेगा एज ए हीट पंप। नाउ सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा लेके चल रहे हैं। ओके, उल्टा कहने के मतलब हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो अब मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी गलत है। फर्स्टली मैं डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर ले रहा हूं। ओके, सो आप समझो हीट इंजन क्या कर रहा है, क्यू वन अमाउंट ऑफ एनर्जी ले रहा है टी वन से, एंड आफ्टर वर्क क्यू टू अमाउंट ऑफ एनर्जी टी टू को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये सही है। नाउ इधर आते हैं, हीट पंप क्या कर रहा है, क्यू वन अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर टू हायर टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, विदाउट एनी वर्क किए हुए। ठीक है, सो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। That means क्या है कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग रॉन्ग एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लोजेस्ट स्टेटमेंट इस टाइप का इंजन कंस्ट्रक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। दैट मीन्स ये हीट इंजन क्या कर रहा है, क्यू वन अमाउंट ऑफ एनर्जी इस टी टू से ले रहा है और ट्रांसफर कर रहा है हायर टेम्परेचर रिजर्वायर टी वन को विदाउट एनी वर्क किए हुए। ओके, ना अब इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हीट पंप क्या कर रहा है, जो Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इस T2 से ले रहा था और ये T1 कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा था, T1 को, और ये Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इंजन T1 से ले रहा था, तो इसी Q1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इंजन को ड्राइव करने में लगा रहे। दैट मीन्स ये हीट इंजन क्या किया, Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया एंड आफ्टर वर्क Q2 amount of energy इस lower temperature reservoir T2 को transfer कर दिया। ठीक है, after work again ये heat pump क्या किया, Q1 amounts of energy यहां से absorb किया and without any work transfer किए हुए क्या कर रहा है, इस energy को कहां पे engine को drive करने में लगा दिया। so अब ये totally किस type का behave कर रहा है बता सकते हो, heat engine and heat pump। ये इसको बता सकते हैं टोटली ये कंस्ट्यूट साइकिल अब किस टाइप का बिहेव करेगा,
इसका एरो तो राइट साइड होगा ना, W इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू हीट पंप को। नहीं राइट साइड नहीं है यहाँ पे हीट, ये तो मैं राइट साइड क्यों होगा, ये तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट मीन W इक्वल टू जीरो है। ओके राइट साइड एरो नहीं हुआ, यहाँ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ही गलत है। ओके दैट मीन ना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क किए हुए। So, अब हीट पंप और हीट इंजन दोनों मिलके किस टाइप का बिहेव करेगा, मतलब कौन से डिवाइस है? हीट इंजन, हीट इंजन क्यों हीट इंजन, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम लोग को वर्क पावर मिल रहा है, ठीक है? हाँ जो वर्क जनरेट हो रहा है, वर्क कंटिन्यूअसली हम लोग को, दोनों डिवाइस मिलके कंटिन्यूअसली हम लोग को वर्क जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स पावर मिल रहा है। ओके दैट मीन्स क्या है कि दोनों डिवाइस मिलके अब किस टाइप का बिहेव करेगा, हीट इंजन। So, आप बताना है मेरे को कि यहाँ पे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहाँ पे गलत हो रहा है। एज्यूम तो मैं लेके चल रहा हूँ कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट गलत है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अब गलत कहाँ पे हो रहा है? जब वर्क डन जीरो है सर। वर्क डन तो जीरो नहीं है, ये तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट गलत है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पंप मीन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है, विदाउट एनी वर्क, तो ये तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट गलत है। सर हीट एक्सचेंज एक बार सिंगल बॉडी से ही कर रहा है। हाँ ठीक है, बोला अभी कि हीट एक्सचेंज विद ए सिंगल बॉडी। ओके ये सही आंसर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जो वर्क करेगा ओनली इंटरेक्ट विद ए सिंगल रिजर्वायर, बट यहाँ पे ये हीट इंजन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली हम लोग को वर्क दे रहा है जो कि इंटरेक्ट है ओनली सिंगल रिजर्वायर से। ओके दैट मीन्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। सो हम लोग को क्या मिल रहा है कि किसी एक स्टेटमेंट को इनिशियली मैं रॉन्ग लेके चल रहा हूं, तो लेटर में मेरे को मिल रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इससे यह पता चलता है कि दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट यानी पैरेलल स्टेटमेंट है। ओके सो क्लियर है सभी को, ये नोट्स में अवेलेबल है, एक बार सभी को अच्छे से दोनों स्टेटमेंट को देखोगे और इक्विवेलेंस देखोगे दोनों का। ओके सो 2 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है, अपना अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में पुट करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल दोनों स्टेटमेंट आप घर पे अच्छे से जाके पढ़ोगे, केल्विन प्लैंक एंड क्लोजेस्ट एंड दोनों का इक्विवेलेंस, ठीक है? नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास आप फिर से पूछ सकते हो। ओके थैंक यू सर थैंक यू सर